एपिसोड का स्टार्टिंग में सकुरा का असिस्टेंट एक बंदे के साथ बातें कर रही थी कॉन्सर्ट के बारे में। असिस्टेंट कहती है कॉन्सर्ट अगले महीने होने वाला है और उसका प्लेस जीवी आइसलैंड ही होगा, जिस प्लेस में इसके पहले वाले एपिसोड में सेवेज ने अटैक किया था। खैर इसके बाद असिस्टेंट इस बात को भी कहती है, लेकिन इससे पहले हमें एक काम करना होगा, यानी सकुरा ने कहा है उसको एक बॉडीगार्ड चाहिए। उसका बॉडीगार्ड वही बंदा बनने वाला है जिसने इसके पहले वाले एपिसोड में उस अटैक को रोका था। खैर इसके बाद ही सीन आता है एक फाइट में, जहाँ पर हायातो एक टीम मैच में होता है। हायातो और इमाइल एक साथ मिलकर लड़ रहे होता है, जहाँ पर उनके ओपोनेंट उनके दोस्त ही थे। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ ही फाइट करते हैं। हायातो का ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हायातो का पावर बहुत होता है और इसके कारण हायातो बहुत इजीली इस मैच को भी जीत लेता है। इसी सीन को देखकर उनमें से एक बंदी अपसेट हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, मैंने सोचा था इसके बाद भी सिलेक्शन के लिए आने वाली हो, लेकिन शायद से ऐसा नहीं होने वाला। और उसके बारे इमाल कहती है, ऐसा कोई बात नहीं, तो का पावर बहुत ऊपर लेवल का है, तो उसके कारण उसके सामने ऐसा कर पाना भी बहुत अच्छी बात है। ये बात को सुनकर वो लड़की बहुत हैप्पी हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इस कैप्टन इधर आ जाती है और इसके बाद वो चिल्ला कर कहती है, हायातो तुम्हारे साथ एक बात है, यानी क्लेयर तुम्हारे साथ बातें करना चाहती है, इसलिए तुम्हें आना होगा। जहाँ पर हायातो इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास आ चुका था। खैर इसके बाद हायातो कहता है, बात क्या था? क्लेयर कहती है, सकुरा का कॉन्सर्ट जीवी आइसलैंड में होने वाला है और इसके कारण तुम्हें उसके पास जाना होगा। तो कहता है, लेकिन काम क्या है? और इसके बाद एक क्लेयर कहती है, तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनना होगा। बात को सुनकर हायातो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद वो कहता है, लेकिन मैं ही क्यों? यानी ये काम किसी और को भी दिया जा सकता था। कहती है, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, यानी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन सकुरा तुम ही चाहती है, इसने भी उस अटैक को रोका था, उसको ये काम मिलने वाला है, जो कि तू ऑनेस्टली तुम्हें ये काम दिया चाहता है। वैसे तुम्हारा आंसर क्या है? जहाँ पर हायातो सोच रहा था क्या वो ये काम कर सकता है, साथ ही उसको ही ये काम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके लिए कोई और भी आ सकता था। खैर इसके बाद फाइस कैप्टन कहती है, वेल तुम एक सीन को नोटिस कर सकती हो, यानी एक फोटेज को दिखाती हो, और इसके बाद वो एक फोटेज को दिखाती है जहाँ पर बहुत सारे मीटियर उनके अर्थ की तरफ आ रहा था। कैप्टन कहती है, जिन सारे सेवेज के साथ तुम्हारा फाइट हुआ था वो सारे इधर से आई थी, तीन सेवेज जो अभी बाकी है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर हायातो अलर्ट हो जाता है और वो जान गया था बात बहुत ऊपर लेवल का है। इसके बाद हायातो इसके लिए मान जाता है, यानी वो ये काम करने वाला है क्योंकि इधर सच्ची में उसका हेल्प चाहिए था। इसी बात को सुनकर क्लेयर कहती है, अगर ऐसा बात है तो ये एक्सेप्ट हो जाता है और इसके लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे और कुछ बात है तो तुम कह सकते हो। जहाँ पर हायातो कहता है, ऐसा तो और कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात है जो कि मुझे आपसे ही करना है। इसके बाद हायातो क्लेयर के साथ बात करके आ जाता है अपने बहन के पास और वो सारा बात बता देता है, यानी वो कुछ टाइम के लिए सकुरा के पास बॉडीगार्ड बनने वाला है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर क्लेयर पहले चिल्ला देती है, यानी ये बात उसके लिए बहुत बड़ा है। इसके बाद हायातो कहता है, ये काम उसको नहीं करना था, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, यानी वो सर सेवेज फिर से आ सकता है। कारण बात को सुनकर बहुत हैप्पी थी और इसके बाद वो कहती है, अगर ऐसा बात है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और इसके लिए तुम्हें मुझे किस देना चाहिए और एक बात है, उसका ऑटोग्राफ लाना मत भूलना। और इसके बाद हायातो कहता है, सब कुछ हो जाएगा। खैर इसके बाद हायातो आ जाता है अपने रूम में। वह इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर हायातो अपना आंखें खोलता है और उसके बाद वो अपने आगे देखता है, जहाँ पर इधर इमाइल थी। इमाइल को इधर देखकर हायातो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है, तुम इधर कैसे आ गई? जहाँ पर इमाइल कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक काम है, यानी आज हम फ्री है तो इसीलिए मैं एक डेट के लिए जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? और उसके बाद ही हायातो इसके लिए ना कह देता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इमाइल दुखी होती है, तो कहता है, कल ही मुझे एक जीवी आइसलैंड में मिशन दिया गया, इसलिए मुझे उसके लिए जाना होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इमाइल कहती है, अगर ऐसा बात है तो मिशन होता है और इसीलिए मैं इस बात को जानती हूँ, खैर तुम्हारा मिशन में तुम अच्छा करना। और इसके बाद वो हैप्पी होती है। इसके बाद हायातो आ जाता है सकुरा को लेने के लिए, जहाँ पर सकुरा उसके पास आ जाती है। सकुरा एक पॉप आइडल थी और इसलिए उसका पॉपुलैरिटी बहुत होता है, यानी बहुत लोग उसको चाहते हैं। सकुरा प्लेन से नीचे आती है और उसके बाद वो हायातो से मिलती है और उसके साथ बात करती है। हायातो पहले बहुत ज्यादा नर्वस होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपना कंडीशन को संभाल लेता है। खैर इसके बाद वो लोग एक कार में आ चुके थे और इसके बाद वो लोग एक होटल में जाने वाले हैं। कार में हायातो और सकुरा एक साथ ही आ जाते हैं। जहाँ पर इससे हायातो बहुत नर्वस हो गया था, लेकिन सकुरा पहुंच रहा फ्री होती है, यानी वो हायातो के साथ बात कर रही थी, लेकिन हायातो को इससे अच्छा नहीं लगता, यानी वो बहुत डरा हुआ था। खैर ऐसे ही बहुत सारी बातों के बाद सकुरा कहती है, तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा नहीं बनना, यानी तुम मुझे सकुरा भी बुला सकती हो, यानी मेरे नेम को भी कह सकती हो और तुम फ्रीली बातें कर सकती हो। तो कहता है, ऐसा बात है तो यही होने वाला है। खैर इसके बाद वो लोग होटल में आ जाते हैं।
हायातो साकुरा के रूम के पास आ गया था और उसके बाद हायातो कहता है, साकुरा तुम्हारा ये रूम है और तुम इसके अंदर जा सकते हो। साकुरा अपने जगह में होती है। इसको देखकर हायातो कहता है, क्या हो गया? और उसके बाद साकुरा कहती है, मुझे लगता है तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और तुम्हें काम करना चाहिए। और उसके बाद हायातो जान गया था उसको उस रूम को चेक करना है और इसलिए हायातो उस रूम को चेक करने लग गया था। खैर इसके बाद कोरा कहती है, वैसे मुझे नहीं लगता तुम हायातो हो। इसी बात को सुनकर हायातो कहता है, यही मेरा नेम है, लेकिन इससे पहले मैं कभी किसी का बॉडीगार्ड नहीं बना। खैर इसके बाद साकुरा इसको भी सुनकर निराशी होती है, यानी उसको हायातो के साथ बात करना था। पर इसके बाद हायातो रूम को चेक कर देता है और उसके साथ ही साकुरा रूम में आ जाती है, यानी रूम में हायातो और साकुरा एक साथ होता है। उसके बाद साकुरा एक अलग ही मूड पे आ चुकी थी, यानी वो कहती है, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? तो कहता है, क्या? और उसके बाद साकुरा कहती है, तुम एक चीज को देख सकती हो। और उसके बाद वो अपने मोबाइल पे हायातो का वही फाइल वाला सीन दिखा रही थी है। वो कहती है, मुझे साइबर नेट से मिला है और तुम्हें देखकर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके कारण क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? क्योंकि तुम ही वो हीरो हो जिसने जीवी आइलैंड को बचाया था, तो इसलिए क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो? मैंने पहले प्लानिंग कर दिया है, इसके बारे में मैं अपने फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस में कहने वाली हूँ। हमारा वेडिंग कहाँ पर होने वाला है, या फिर हम लोग हनीमून के लिए कहाँ पर जाने वाले हैं, या फिर हमारे बच्चे या फिर डॉग्स कितने सारे होने वाले हैं, इसके बारे में मैंने पहले डिसाइड कर लिया। इसके बाद वो ऐसे ही अपने मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रही थी, जो कि उसके प्लान्स होता है। और इसको सुनकर हायातो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। खैर इसके बाद हायातो आ जाता है साकुरा के पास और इसके बाद वो एक वॉल स्लैम करके कहता है, तो क्या मैं तुम्हारी बातों को सील करने के लिए एक किस कर सकता हूँ? और उसके बाद हायातो साकुरा के बहुत पास आ चुका था, जहाँ पर इसको देखकर साकुरा शर्मा जाती है। वो कहती है, इसके लिए मुझे टाइम दो, यानी मुझे नहाना होगा। और उसके बाद साकुरा इधर से भाग जाती है। खैर हायातो इससे बच गया था। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है साकुरा अपने बाथरूम में होती है और वो गाना गा रही थी, जहाँ पर हायातो बाहर ही होता है और वो साकुरा के साउंड को सुनकर बहुत हैप्पी था, यानी उसके गाने बहुत अच्छे होता है। हायातो कहता है, कारण जब छोटी थी वो ऐसे ही गाना गाया करती थी। खैर इसके बाद साकुरा हायातो को बुला लेती है। वो कहती है, मेरा एक चीज तुम्हें देना होगा। हायातो कहता है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद हायातो उसी चीज को लेने के लिए साकुरा के रूम में आता है, जहाँ पर वो देखता है इधर साकुरा के सारे कपड़े होता है क्योंकि बिखरी हुई थी। और उसके बाद हायातो सारे कपड़े को उठा लेता है, साथ ही वो डिवाइस भी अपने साथ लेके आ जाते हैं बाथरूम के पास। और उसके बाद वो कहती है, तुम मेरा डिवाइस दे सकती हो। और उसके बाद वो देखती है, जहाँ पर हायातो के हाथ में साकुरा के सारे कपड़े थे। सीन देखकर साकुरा शर्मा जाती है और उसके बाद वो कहती है, मैंने तुम्हें ये सब नहीं मांगा था। तो कहता है, मैंने सोचा तुम्हें चाहिए होगा तो इसलिए मैं ले आया, जहाँ पर साकुरा इससे गुस्सा थी। खैर इसके बाद वो कहती है, मैंने जो मांगा मुझे वही दो। इसके बाद साकुरा डिवाइस को लेने के लिए थोड़ा आगे आती है, लेकिन नीचे एक सोप था जिसके ऊपर साकुरा का पैर गिर जाता है, कुरा फिसल के गिर जाती है और उसको बहुत लगा था। जहाँ पर इस सीन को देखकर हायातो बाथरूम में आ जाता है, लेकिन इसके बारे में वो देखते है साकुरा नंगी होती है और उसको देखकर वो शर्मा गया था। जहाँ पर साकुरा को भी इससे बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है, तुम अंदर क्यों आए? तो कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ तो उसके कारण मुझे लगा तुम मुसीबत में हो, लेकिन ऐसा बात नहीं था। तो अपने आप को बहुत गिल्टी मानता है। और उसके बाद वो बाहर आके कह रहा था, उसकी बहन ने उसको बताया था आज उसके लिए वाटर या फिर लेडी यानी वेमेन अच्छे नहीं है, ये उसका फॉर्च्यून बिगाड़ने वाला है, जो कि असलियत में हो रहा था। खैर इसके बाद कहाँ जाते हैं प्रिंस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर हायातो और साकुरा एक साथ ही आ चुके थे। हायातो साकुरा के पीछे होता है और उसके बाद साकुरा सबके साथ अच्छी तरह से बात करती है, यानी वो इसमें बहुत एक्सपर्ट थी। साकुरा सबको अकेले संभाल लेती है, वो सबको एक समान बात करती है और ये से लेकर हायातो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। खैर इसके बाद हायातो कहता है, मुझे लगता है इधर मेरा कोई काम नहीं है, यानी तुम सब कुछ संभाल लेती हो। कुरा कहती है, तुम मुझे जितना चाहते हो उससे मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, यानी वो अपने बारे में कह रही थी। इसके बाद हायातो और साकुरा और बाकी सब लोग आ जाते हैं कॉन्सर्ट साइट पे, जहाँ पर ये कॉन्सर्ट होने वाला था। हायातो देखता है एक बहुत बड़े पैमाने में काम हो रहा था और उसके बाद वो कहता है, साकुरा का असिस्टेंट कहती है इधर वो स्टेज होने वाला है, करीब 1,00,000 लोग इधर आने वाले हैं और उसके कारण ही हमें स्टेज को बड़ा करना होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर हायातो जान चुका था ये कॉन्सर्ट बहुत बड़ा होने वाला है। खैर इसके बाद इधर साकुरा आ जाती है, जो कि एक अलग ही गेटअप में थी और इसको देखकर हायातो शर्मा जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा वो दो नहीं देख रहा। साकुरा कहती है, तुम एक बहुत बड़े थड़की हो, वैसे ये ड्रेस मेरे उसी कॉन्सर्ट के लिए है और मैं इसको पहनने वाली हूँ। हायातो कहता है, ड्रेस बहुत अच्छा है, जो कि बहुत ज्यादा छोटा था। खैर इसके बाद साकुरा आके आती है और वो कहती है, वैसे तुम मेरे एक बात को नहीं जानती, यानी मेरे पास 100 पावर है। और उसके बाद वो अपने 100 पावर को यूज कर देती है। साकुरा के पास फेरी पावर था, यानी वो इसके हेल्प से उड़ सकती है, साथ ही वो अपना वेपन भी बना सकती है। ये पावर बहुत रेयर था। वेल इसी बीच इधर चार भी आ जाती है, जहाँ पर इसको देखकर हायातो कहता है, आप इधर कब आए, कैसे? और इसके बारे चार कहती है, इधर हमारा काम है।
साकुरा 100 पावर को यूज करती है, तो उसके कारण अगर कोई कुछ भी हो गया तो उसकी बात हमें देखना होगा। हाया तो तुम इस पावर के बारे में नहीं जानते, तो इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ। और उसके बाद चार इस पावर के बारे में बता रही थी, जो कि एक फेरी पावर था, और मैंने पहले भी कहा है ये बहुत रेयर है। खैर इसके बाद ऐसे ही साकुरा अपने पावर का यूज करती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर हाया तो होटल में आ जाता है, और उसके बाद वो क्लेयर के साथ बातें करता है। हाया तो कहता है साकुरा अपने रूम में चले गई है, साथ ही वो थोड़ा टाइम अकेले में रहना चाहती है, यानी उसको अपने गाने लिखने हैं। वेल इसके बाद क्लेयर कहती है तुम साकुरा को साकुरा नहीं बुला सकते, यानी उसके पास एक नेम है, साथ ही वो तुम्हारा क्लाइंट है, तो उसके कारण ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बारे हाया तो कहता है मैं जानता हूँ उसके नेम है करिश्मा साकुरा, लेकिन उसने मुझे कहा है मैं उसको साकुरा ही बुलाऊंगा। और उसके बारे क्लेयर कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम साकुरा कह सकते हो। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, और उसके बाद हाया तो आ चुका था नहाने के लिए। हाया तो बात लेने के लिए एंटर करता है, और उसके बारे में देखता है इधर पहले से इमाइल होती है जो कि नहा रही थी, और ये सीन देखकर हाया तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। हाया तो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं नहीं चाह रहा था तुम इधर पहले से ही हो। और उसके बाद हाया तो बाहर चला जाता है। इमाइल भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है हाया तो एक बात है, यानी तुम अंदर आ सकते हो, साथ ही अगर तुम्हें मेरे साथ नहाना है तो कोई बात नहीं है, तुम आ सकते हो। हाया तो बेशर्मों की तरह आ जाता है इमाइल के साथ नहाने के लिए, और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही बात आप में आते हैं, और उसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं जो कि मैं इधर एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इमाइल अपने बॉडी को दिखा रही है जहाँ पर उसका कट लगा था, यानी जो उसमें कट लगा था वो बाहर आ रहा है। लेकिन जो भी हो इसके बाद वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर आखिर में तो कहता है क्या कल तुम जीवी आइसलैंड में कॉन्सर्ट के लिए आ सकती हो। और इसकी बारी हाँ कहती है हाँ मैं आऊंगी, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, यानी तुम तो अपनी ड्यूटी में होगी। और इसके बाद हाया तो कहता है ड्यूटी शाम को है, लेकिन मैं अपना ड्यूटी अगर सुबह कंप्लीट कर दूं तो इसके बाद मैं तुम्हें टाइम दे पाऊंगा। बात को सुनकर इमाइल बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे एंजॉय करते हैं, और उसके बाद आखिर में हमें दिखाया जाता है एक टीम को जो कि कल के लिए रेडी थे। वो कहते हैं वो लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, जो कि इसके बाद वाले एपिसोड में हमें पता चलने वाला है वो लोग क्या इंसानियत के लिए काम करते हैं। बाकी इस एपिसोड को अब तक देखे हो तो इसको लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।